टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। शो में रोज एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिस वजह से ईशान और सभी का झगड़ा हो जाता है। बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि हल्दी कुमकुम की रस्म में सभी दुनिया के सामने अपने और ईशान की शादी का सच खोल देती है। सभी सबको बोल देती है कि वह जल्द ही ईशान और उसके घर को छोड़कर चली जाएगी। ये सब बातें सुनकर रस्म में आए सभी लोग भोसले परिवार की बेइज्जती करते हैं, लेकिन दुर्वा इस बात से खुश होगी। अपकमिंग एपिसोड में दुर्वा अक्का साहिब को समझाएगी कि सभी ने ड्रामा करके सही किया, इसे पता चल गया है कि वह यहाँ नहीं रहने वाली। तो आइए आपको बताते हैं कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हल्दी कुमकुम की रस्म में हुए इस ड्रामे के बाद ईशान सभी से बात करता है और पूछता है कि उसने शादी का सच सबके सामने क्यों खोल दिया। इस पर सभी बोलती है कि आप वहाँ पर सबको चुप करवा रहे थे, लेकिन क्या कोई चुप रहे, आप मुझे चुप करवा रहे हैं। इस दौरान सभी और ईशान के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद अक्का साहिब ईशान को अपने कमरे में बुलाती हैं और वह उसे अपना फैसला सुनाते हुए बोलती हैं कि सभी इस घर में हमेशा के लिए आई है, ये शादी जिस भी हालात में हुई है, लेकिन सभी कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर ईशान हैरान रह जाता है। सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि ईशान राव साहिब का फैसला सभी को बताता है। इस दौरान रीवा वहाँ आ जाती है और ईशान रीवा को घर छोड़ने चला जाता है। इस मौके पर रीवा ईशान को सभी की साइड समझाने की कोशिश करती है। वह ईशान को बार बार बोलती है कि सभी ने यह शादी नहीं अपनाई है, लेकिन ईशान सभी के बारे में बात नहीं करता। दूसरी तरफ ईशान की चाची सभी को समझाने का काम करती है। वह सभी को बोलती है कि तुम्हें ईशान और अपने आप को एक मौका देना चाहिए।